रामगढ़वा थाना क्षेत्र के नरेरगिरी आदापुर रोड में स्थित अपना ईंट उद्योग नामक चिमनी में ब्लास्ट होने से 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 से अधिक लोगों का शव मलबे के अंदर दबे होने की आशंका है। जबकि ब्लास्ट में घायल 8 गंभीर लोगों का उपचार रक्सौल के SRP मेमोरियल अस्पताल में चल रहा है, जहां उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। घटना के संबंध में रक्सौल अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी चंद्र प्रकाश ने बताया कि जो जानकारी मिली है उसके अनुसार शाम के करीब 4:30 बजे चिमनी में ईंट बनाने की काम का शुरुआत की जा रही थी। इस कार्यक्रम में चिमनी संचालकों द्वारा यहां काम करने वाले मजदूरों के साथ साथ कुछ स्थानीय लोगों को आमंत्रण देकर भी बुलाया गया था। चिमनी को चालू करने की औपचारिक प्रक्रिया को शुरू करने के बाद जैसे ही लोग दुआ करने के लिए बैठे कि चिमनी ब्लास्ट कर गया और इसके बाद अफरा तफरी मच गई। घटना स्थल पर समाचार लिखे जाने तक 3 लोगों का शव निकाला जा चुका था और SDRF की टीम के आने का इंतजार किया जा रहा था, जबकि SRP अस्पताल में 5 लोगों का शव रखा हुआ है, जिसमें चिमनी संचालक रामगढ़वा के आमोदेई निवासी मोहम्मद इरशाद आलम का भी शव है, जबकि मलबे से निकाले गए 3 शव में से एक की पहचान रामगढ़वा के नरेरगिरी निवासी अनिल बैठा के रूप में की गई है, जिसका शव ग्रामीणों की मदद से निकाला गया है। अन्य मृतकों की शिनाख्त नहीं हो सकी है। SP श्री चंद्र प्रकाश ने बताया कि मरने वालों में अधिकांश यहां काम करने वाले मजदूर हैं जो बाहरी हैं। उनके संबंध में आवश्यक जानकारी जुटाई जा रही है। इधर घटना स्थल पर हजारों की भीड़ जमा हो गई है। रक्सौल रामगढ़वा आदापुर सुगौली थाने की पुलिस यहां कैंप कर रही है। हालांकि रोशनी के अभाव के कारण राहत और बचाव कार्य में डिले हो रहा है था। घायलों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। SRP अस्पताल के निदेशक डॉक्टर सुजीत कुमार ने बताया कि गंभीर रूप से घायलों में चिमनी के एक अन्य संचालक मोहम्मद नूरुल हक के साथ साथ अमरेश कुमार, मुकेश राम, आलमगीर, अब्दुल हक, अजय कुमार व राकेश कुमार शामिल है। सभी को ICU में रखा गया है। 3 की हालत बहुत गंभीर है। रक्सौल पुलिस की टीम SRP अस्पताल में पहुंचकर सबका पंचनामा तैयार कर रही है। जमीरुल हक की रिपोर्ट।